Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, साउथ स्टार यश ने कीवन के दौरान टॉक्सिक में शाहरुख खान के कैमियो पर क्लैरिटी दे दी है। यश का कहना है कि ये एक पैन वर्ल्ड फिल्म है। दरअसल यश हाल ही में एक इवेंट का हिस्सा बने थे जहां पर उनसे शाहरुख खान की एंट्री को लेकर सवाल किया गया। इस पर रिएक्ट करते हुए यश ने कहा, समय के साथ सबको कास्टिंग के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि यश ने सीधा कुछ भी कन्फर्म नहीं किया। साथ ही साथ इवेंट में यश ने फैंस से कहा कि किसी भी तरह के र्यूमर्स पर विश्वास ना करें जब तक वो खुद कुछ ना कहे। नंबर टू, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म योद्धा के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर को एकदम अलग अंदाज में रिलीज किया गया है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया है। फिल्म योद्धा के पोस्ट को हवा में रिलीज किया गया है। फिल्म के पोस्टर को 1300 फीट की ऊंचाई पर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म के पोस्टर को इस तरीके से रिलीज किया गया हो। इस पोस्टर रिलीज को देखने के बाद हर कोई इसकी जमकर तारीफ करता नजर आ रहा है। नंबर थ्री, ऋतिक रोशन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में ऋतिक रोशन बैसाखी के सहारे खड़े हैं और उनकी कमर में बेल्ट बंधी हुई है। ऋतिक रोशन अपने मोबाइल में देख रहे हैं। इसके साथ ऋतिक ने एक बड़ा सा कैप्शन भी लिखा है और अपने दादा का किस्सा भी बताया है और अपनी दिक्कत का भी जिक्र किया है। ऋतिक रोशन ने अपनी पोस्ट में बताया है कि मंगलवार को उनकी मसल में खिंचाव आ गया है। इसके साथ ही ऋतिक रोशन की इस पोस्ट का उद्देश्य ये था कि जरूरत पड़ने पर बैसाखी या व्हील चेयर की मदद लेने से स्ट्रांग इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर फोर, कृति सैनन और शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने वैलेंटाइन डे के दिन बेहतरीन कमबैक किया। फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन शॉकिंग है। Cyclone.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने बुधवार को 6.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म के कलेक्शन को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के टिकट पर चल रहे ऑफर का इसे फायदा हो रहा है। दरअसल मेकर्स ने 12 फरवरी से 14 फरवरी तक फिल्म के एक टिकट पर दूसरा टिकट फ्री मिलने का ऑफर था। ऐसे में फिल्म के कलेक्शन की बढ़ती रफ्तार इसका सबूत दे रही है। नंबर 5, शाहरुख खान ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर फैंस को सरप्राइज दे दिया है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी रातों रात OTT पर स्ट्रीम कर दी गई है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी वैलेंटाइंस डे की रात नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दी गई है। फिल्म के OTT पर आने के बाद नेटफ्लिक्स ने शाहरुख खान का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में शाहरुख खान किंग स्टाइल में एक वीजा ऑफिस में एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये वास्तव में दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक गर्व और ऐतिहासिक पल था। इस दौरान अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से UAE के पहले हिंदू मंदिर की एक आकर्षक तस्वीर शेयर की है। एक्टर अक्षय ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए भव्यता का हिस्सा बनने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। नंबर 7, अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टारर सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म शैतान का टीजर पहले ही जारी हो चुका है। अब मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना खुशियां बटोर लोपी जारी कर दिया है। ये गाना बेहद खूबसूरत है जो परिवार के प्यार को दिखाता है। इस गाने के बोल कुमार ने लिखे हैं। इस गाने में अजय देवगन, ज्योतिका, जानकी बोधीवाला और अंगद महोले एक खुशहाल परिवार की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें एक अजनबी के आने से मुश्किलें आ जाती है। ये गाना अजय देवगन और ज्योतिका के परिवार के खुशी के पलों की एक झलक देता है। नंबर 8, रणवीर सिंह को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक्टर अब शक्तिमान बनकर फैंस के दिलों पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह शक्तिमान शो पर बेस्ड फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। पिपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक शक्तिमान टीवी शो पर बेस्ड एक फिल्म बनाएंगे जो 3 पार्ट में रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणवीर सिंह इसमें मुकेश खन्ना की तरह सुपर हीरो का रोल प्ले करेंगे जिसकी शूटिंग अगले साल यानी साल 2025 में शुरू होगी। नंबर 9, Amazon Prime Video की नई क्राइम सीरीज पोचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें दमदार टीम हाथियों से जुड़ी कहानी पेश करती है। ये ट्रेलर पोचर की मूल कहानी से पर्दा उठा रहा है जहां हाथियों की निर्मम और लगातार हो रही हत्या की दिल दहला देने वाली हकीकत का पता चलता है, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस मामले पर जांच शुरू करता है। तब जाकर पता चलता है कि ये काम हाथी दांत का अवैध शिकार करने वाले गिरोह का है। ये सीरीज 23 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। नंबर 10, रकुल प्रीत और जैकी भगनानी की शादी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों सितारे शादी में एक दो नहीं बल्कि 5 डिजाइनर्स के आउटफिट पहनने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो कमिटमेंट के चलते हनीमून पर भी तुरंत नहीं जाने वाले हैं। सोर्स की माने तो रकुल प्रीत सिंह का वेडिंग आउटफिट पंजाबी कल्चर से इंस्पायर्ड होगा। वहीं एक्ट्रेस मेहंदी में मॉडर्न कपड़े पहनेंगी जिस पर फुलकारी का काम होगा। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो होने वाली दुल्हन शादी से 3 दिन पहले तक काम करेगी और शादी के 1 हफ्ते बाद बॉलीवुड की एक फिल्म की शूटिंग करेंगी। नंबर 11, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन
जैकलीन फर्नांडिस ने यू टर्न ले लिया है। एक्ट्रेस ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में दायर की याचिका को वापस ले लिया है। जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर उनसे जुड़े कोई भी लेटर मीडिया में जारी न करे, इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि एक्ट्रेस की ओर से जो आवेदन किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। ऐसे में ये मामला यहीं खत्म हो गया है। नंबर 12, शहीद विक्रम बत्रा की मां कमलकांत बत्रा का निधन हो गया है, जिनके बेटे पर फिल्म शेरशाह बनाई गई थी। इस फिल्म में विक्रम बत्रा की भूमिका में सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए थे। कमलकांत बत्रा 77 साल की थी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अंतिम सांसें ली है। बताया जा रहा है कि निधन की वजह हार्ट अटैक है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कमलकांत बत्रा पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी और बुधवार को हार्ट अटैक के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नंबर 13, प्रीति खरबंदा और पुलकित सम्राट की शादी के रूमर्स इन दिनों इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि फैंस ने शादी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि प्रीति खरबंदा और पुलकित सम्राट मार्च में शादी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पुलकित सम्राट और प्रीति खरबंदा की लव स्टोरी पागलपंती के सेट पर शुरू हुई थी। पुलकित की पहली शादी श्वेता रोहिरा से हुई थी और शादी के 11 महीने बाद दोनों अलग हो गए थे। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा द राइज फ्रेंचाइजी के साथ ग्लोबल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर छा जाने वाले हैं। जी हां, क्योंकि एक्टर पुष्पा द राइज की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस दौरान अल्लू इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और मार्केट बायर्स से भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही वो स्क्रीनिंग के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेस से भी बातचीत करेंगे। एक समय में कौन बनेगा करोड़पति की होस्ट रहे शाहरुख खान ने शो को लेकर कई खुलासे कर दिए हैं। शाहरुख खान ने बताया है कि शो के प्रोड्यूसर उन पर चिल्लाया करते थे। इसके पीछे की वजह का खुलासा भी शाहरुख खान ने किया है। शो में आए कंटेस्टेंट्स की जीतने में हर संभव तरीके से मदद करने की एक्साइटमेंट के बावजूद शाहरुख खान ने माना कि कुछ ऐसे पल भी थे जब उन्होंने खुद को दुविधा में पाया था, वो भी कई बार सही जवाब के बारे में निश्चित नहीं थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।